बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे खुश होंगे। लेकिन मैं ना मस्त हूँ, ना स्वस्थ हूँ, ना मैं घर पे हूँ। अभी मैं बहुत सोचा कि ये चीज शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि भाई कुछ बहुत लोग का फिर कॉमेंट है, वो पता चल जाएगा वो चीज कि क्या ओपिनियन लोगों का। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हो चुका है जो कि मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा, और ये ब्लॉग काफी टाइम बाद आ रहा है क्योंकि बीच में कुछ टाइम में बिजी हो गया तो कुछ काम में। हाल फिलहाल में मैंने कुछ एक छोटा ब्लॉग पोस्ट किया था, और ये थोड़ा बड़ा ब्लॉग रहेगा और मिनी ब्लॉग भी आएंगे अब जल्दी जल्दी। बस क्या मैं आपको आगे बताता हूँ यार, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको। जल्दी चलकर पहले चलते हैं स्पॉट पे जहाँ पे मुझे जाना, वहाँ पे चल के मैं आपको सारी बात बताता हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं, आपको पैक करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग हैं मरीन ड्राइव जा रहे हैं, मतलब अभी हम लोग, ये रहा हम लोग का जेपी सेतु, और अभी हम लोग हैं और साथ में मयंक, क्योंकि आज हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्राइव मयंक कर रहा है, कुछ रीजन इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। और आगे बने रहिए, हाँ ब्लॉग में आगे पता चलेगा क्या हुआ है। हाँ आगे पता चलेगा, तो आप पहले चलते हैं। तो गाइज ये मेरा स्पॉट, फेवरेट स्पॉट हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा। मैं पहले ये फेवरेट लोकेशन हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई अभी भी आ जाता उस चीज, सही बात है भाई। कोई नहीं, आगे बताता हूँ आपको ब्लॉग में। तो यहाँ पे बच कर रहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चलान कट रहे हैं आजकल, बहुत सारे चलान कट रहे हैं। देखिए चलान कट भी रहा है आई थिंक, यहाँ पे ये लोग बगल में बैठा हुआ है। एक तो एक बगल में बैठा हुआ चलान काटने वाला, चलान काटने वाला नहीं कटवाने वाला, एक्सपर्ट एक्सपर्ट ऐसे भी कटवाते रहता है चलान। कोई नहीं, आगे बंद ब्लॉग में बने रहो यार, बस देखते रहो, आप लोग देखते ही नहीं हो तभी तो पैसे आएंगे। और ये बनाने के लिए भाई, ये ब्लॉग बनाने के लिए व्यूज पैसे ये सब मैटर नहीं करता भाई, फैमिली पैसे चाहिए लेकिन जीने के लिए। तो आगे ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो। क्या नवाबी चल रहा है और आते हैं, ठंडा का डिमांड हुआ है और चल रहा है शूट यहाँ पे। नया वाला बाइक जो है 310, देखिए गाइस नवाबी, देखिए नवाबी, ठंडा चाहिए साले को। ब्लॉग शूट हो रहा है, वो अपने चैनल के लिए ब्लॉग शूट कर रहा है, और यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है, और इधर बैठा है, और ये रहा अपना एमटी। तो गाइज आ गया स्पॉट पे और हो रहा मैं वरना वहाँ पे, और ये रहा अपना एमटी बाज। तो क्या हम लोग के साथ ट्रेजेडी हुआ है मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। आप लोग देखो पहले ये सब चीज़, देखो पहले ये चीज़ देखो हाल, स्टीयरिंग बेंड है ये पूरा, क्योंकि गाड़ी क्रैश हो चुका है, बहुत खतरनाक क्रैश हुआ है, और आगे का भी मडगार्ड भी टूट चुका है, और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो टूट चुका है, मैं आप लोग को अच्छे से दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे भी बहुत सारा चोट लगा पड़ा है। ये है, ये यहाँ पे लगा है, फिर ये है इधर बैक साइड है हाथ में, इधर ये सब क्रैश हो गया था। मैं आप लोग को पहले बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस ये रहा कुछ हाल मेरा, ऐसा इधर इधर ये चोट, फिर ये पैर में, फिर यहाँ पे है, फिर इस साइड इस पैर में है, और मैं क्लिप ऐड कर दूँगा, और बाइक का हाल तो आप देख ही सकते हो कि कैसा हाल हो गया बाइक का। ये बाइक का हाल है, ये पूरा टूटा हुआ है, ये पूरा टूटा हुआ है, ये आगे क्रैक हो चुका है पूरा, ये देख सकते हो आप, ये पूरा क्रैक हो चुका है, इसका स्टीयरिंग बेंड हो चुका है, आगे का वाइजर भी ख़त्म है, कैसे तो ये मीटर बच गया, और आगे का वाइजर भी, ये आगे का ये भी पूरा स्क्रैच हो गया, फिर ये सब तो रिपेयर हो जाएगा। और भाई यहाँ तक चेसी जो है इसका पीछे का स्विंग आर्म ये भी टूट चुका है हल्का, ये भी पूरा क्रैश है, ये भी पूरा टूटा हुआ है, सीट पूरा फट गया है पीछे का, बस जो बैकलाइट है पीछे का सेफ है लेकिन इस पर भी हल्का स्क्रैच है इस पर भी। और आप ये हाल देख सकते हो क्या हुआ मेरे साथ, मैं क्लिप ऐड कर दूंगा जो रियल का जो वीडियो है, रियल वाला ये सब मैं आप लोगों को पहले वीडियो ऐड कर दूंगा, और
बहुत लोग डालेंगे इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो बात ऐसा है, अरे आइए दो मिनट चुप रहिए, बोलिए। तो बात ऐसा है, ये क्रैश हुआ, मैं जब जा रहा था होली के एक दिन पहले, तो बाइक के अंदर ही डॉग घुस गया। तो जानते हो आप लोग, जो लोग डॉग की वजह से एक्सीडेंट हुआ उनको पता होगा, डायरेक्ट गाड़ी के अंदर ही घुस गया आके। मैं सोचा इस साइड से निकल जाऊंगा तो मेरे साइड ही आ गया वापस, मतलब मैं इस साइड जा रहा था, मैं इस साइड जा रहा था तो मेरे साइड ही वापस घुस गया गाड़ी में। तो उस टाइम एक्सीडेंट हो गया, कैसे कैसे वहाँ से फिर उठ के गए और ये सब सीन हो गया। और ये थंब भी, पैर का तो थंब है वो फ्रैक्चर है ऑलरेडी, तो अभी तो सब ठीक है, रिकवर कर चुके पहले। और जो हाल है आप देख सकते हो बाइक का, खुद से ज़्यादा भाई बाइक के लिए दर्द हुआ था जब मैं गिरा था, तो उसको ज़्यादा बाइक ही देखा था, बाइक को कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, एक साइड है बस वो। आज अभी चल के अभी हम लोग क्लेम में देंगे बाइक की, भाई खुद से ज़्यादा बाइक के लिए दर्द हो रहा है, नहीं जा रहा था लेकिन क्या करूँ, बताना पड़ रहा है। अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग साईयामा और वहाँ चल के बाइक दे देंगे क्लेम के लिए। जो चीज़ क्लेम के होगा क्लेम में मिलेगा, और नहीं तो फिर जो चीज़ नहीं हो पाएगा तो मैं बनवा लूँगा वो चीज़। और जल्दी से फिर से एमटी आपको पहले जैसा ही देखने को मिलेगा जल्दी ही, और मैं भी रिकवर हो जाऊँगा। तब तक कि अभी मुझे चलने में नहीं बन रहा है, बाइक चला नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कार से आया था। तो ये चलते हैं यहाँ से फिर, और साईयामा चल के पहले बाइक क्लेम के लिए देते हैं, तो आपको जल्दी वहीं चल मिलते हैं फिर को पहले क्लेम में दे देते हैं बनने के लिए। जब तक मैं रिकवर होऊंगा तब तक बाइक भी बन जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं कार से क्योंकि भाई मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें अच्छे से प्रॉपर बैठ जाऊँगा। तो ये चलते हैं, आपको चल के फिर रास्ते ही मिलते हैं फिर। आ गए हैं साईयामा बाइक लेकर सर्विस में, और अभी देते हैं बाइक को क्लेम में। और आ गए अभी यामा सर्विस, और अभी देखते हैं क्या क्या पेपर वर्क होता है, और जो डैमेज है वो सब देखते हैं क्या कौन कौन सा चीज़ क्लेम में मिलता है हम लोग को, और एक बाइक का क्लेम के लिए इतने लोग। गाइस बाइक क्लेम के लिए दे दिए गए हैं, और कम से कम 15-20 दिन बोल रहे हैं, 15-20 दिन पूरा जो है नया जैसा हो जाएगा फिर से। जो जो पार्ट क्लेम में होगा वो क्लेम में चेंज होगा, और जो चीज़ नहीं होगा क्लेम में मैं खुद से चेंज करा लूँगा वो चीज़। और भाई फिर से अपना एमटी फिर से नया जैसा ही दिखेगा। और अभी बाइक को यहाँ ड्रॉप करके जाते हैं, और फिर 15-20 दिन बाद ही फिर देखने को मिलेगा ये। तो गाइज मैंने बाइक को कर दिया ड्रॉप, और उन्होंने टाइम दिया है मुझे 15-20 डेज़ के अंदर में बाइक फुली रेडी हो जाएगा, जो पहले जैसा एम्प्टी था फर्स्ट टाइम वैसा फिर से रेडी हो जाएगा। और जो चीज़ 20 डेज़ के अंदर में रिकवर होगा वो होगा या नहीं होगा, वही चीज़ है, बस जल्दी से कैसे भी रिकवर हो जाए। और मैंने होली के बाद एक टूर भी प्लान कर रखा था जो पोस्टपोन करना पड़ रहा है, और क्या बोले अभी भी वो चीज़ दिमाग में घूमता है। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा दूर भी जाओ तो हेलमेट ज़रूर यूज़ करो। मैं उस टाइम हेलमेट तो यूज़ किया था, लेकिन मेरे हाथ में ना ग्लव्स था ना शूज़ मैंने वेयर कर रखा था। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हेलमेट ग्लव्स शूज़ ऑल हमेशा जब राइड करो तब पहनो। मैं पर डे पहनता था हेलमेट शूज़ ग्लव्स, लेकिन क्या पता उस दिन बस मैं हेलमेट पहना और क्रॉक्स पहन के घर से निकल गया, न ग्लव्स वेयर किया न शूज़ वेयर किया। तो ये चीज़ मैंने गलती किया उस टाइम कि मैं पर डे मतलब जब जाता था राइड पे तो शूज़ पहन कर जाता था, क्या पता उस दिन मैं पहन कर नहीं गया था, एक्सीडेंट होना लिखा ही था तो वो हो चुका है क्रैश। तो अब उसको बदल भी नहीं सकते, और वो दिमाग में घूमते रहता बार बार, पता नहीं जब मैं सोने जाता हूँ तो ये याद आता है भाई, क्योंकि दो आँखों से बस हेलमेट का जो वाइजर है उसके अंदर से जो देखे बस टच हुआ, उसके बाद क्या क्या वो बस उसका सुन पूरा शरीर। और तब तक फिर शैडो से भी काम चलाना पड़ेगा क्योंकि एमटी तो रहेगा नहीं, और शैडो को सोच रहा हूँ मैं स्टॉक कराने के लिए, क्योंकि अब मैं टूर करूँगा तो शैडो से ही करूँगा ज़्यादातर, तो मैं हर स्टेट में तो लेकर जा नहीं सकता उसको शैडो के रूप में, तो उसको स्टॉक कराना पड़ेगा। क्योंकि भाई मुझे ऐसा पुलिस वुलिस का सीन नहीं चाहिए कि हाँ रोके इसके लिए बोले चार बात या फाइन वाइन काटे, तो उससे अच्छा प्रॉपर स्टॉक करके उसके बाद टूर प्लान करेंगे। और जो भी बस जल्दी से रिकवरी हो जाए, और उसके बाद फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग अच्छे अच्छे रील्स कंटेंट सब आएंगे,
फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी। और प्लीज़ आप लोग सेफली ड्राइव करना और हेलमेट ज़रूर पहनना। हेलमेट पहने हुआ था तो मेरा सर बच गया, वरना बता नहीं सकता। तो आप लोग बस सेफ रहो और राइड अच्छे करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।